श्रीमद् भागवतम तृतीय सर्ग 26वां अध्याय। प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। भगवान कपिल ने आगे कहा, हे माता, अब मैं तुमसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा, जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि ज्ञान है। मैं तुमको वह ज्ञान बतलाऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे और इस भौतिक जगत के अस्तित्व के परे हैं। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं, क्योंकि वे स्वयं प्रकाशवान हैं और उनकी स्वयं प्रकाशवान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। उस महान से महानतम श्री भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया, जो त्रिगुणमयी है और विष्णु से संबंधित है। अपने तीन गुणों से अनेक प्रकारों में विभक्त यह भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूपों को उत्पन्न करती है, और इसे देखकर सारे जीव माया के ज्ञान आच्छादक गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं। अपनी विस्मृति के कारण दिव्य जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्मक्षेत्र मान बैठता है, और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, जिसमें परिस्थितियां जीव पर हावी हो जाती हैं। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता और ऐसे कर्मों से परे रहता है, किंतु इस प्रकार वह बद्ध जीवन से प्रभावित होता है। बद्ध जीव के शरीर, इंद्रियों तथा इंद्रियों के अधिष्ठता देवों का कारण भौतिक प्रकृति है। इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। स्वभाव से दिव्य ऐसे आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। देवहूति ने कहा, हे भगवान, आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण कहें, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण हैं। भगवान ने कहा, तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। जब यह प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहते हैं। पांच स्थूल तत्व, पांच सूक्ष्म तत्व, चार अंतःकरण, पांच ज्ञानेन्द्रिया तथा पांच कर्मेंद्रिया, इन 24 तत्वों का यह समूह प्रधान कहलाता है। पांच स्थूल तत्वों के नाम हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, शून्य। सूक्ष्म तत्व भी पांच हैं, गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श तथा शब्द, ध्वनि। ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेंद्रियों को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। ये हैं श्रवणेन्द्रिय, स्वादेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय, दृश्येंद्रिय, प्राणेंद्रिय, वागेंद्रिय, कार्य करने की इंद्रिया, चलने की इंद्रिया, जननेन्द्रिया तथा मलत्याग इंद्रिया। आंतरिक सूक्ष्म इंद्रिया मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में चार प्रकार की जानी जाती हैं। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली हैं। इन सबको सुयोग्य ब्रह्मा माना जाता है। इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिसे 25वें तत्व के रूप में गिना जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। हे स्वयंभुव पुत्री, हे माता, जैसा कि मैंने बतलाया, काल ही श्री भगवान है जिससे उदासीन, संभाव एवं अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को भीतर से परमात्मा रूप में और बाहर काल रूप में रखकर विभिन्न तत्वों का समन्वयन करते हैं। जब भगवान अपनी अनंतरंगा शक्ति से प्रकृति में व्याप्त होते हैं, तो प्रकृति समग्र विराट बुद्धि को उत्पन्न करती है, जिसे हिरणमय कहते हैं। यह तब घटित होता है जब प्रकृति बद्ध जीवों के गंतव्यों द्वारा क्षुब्ध की जाती है। इस प्रकार तेजस्वी महत तत्व, जिसके भीतर सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं, जो समस्त दृश्य जगत का मूल है और जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता, अपनी विविधता प्रकट करके उस अंधकार को निगल जाता है, जिसने प्रलय के समय तेज को ढक लिया था। सतोगुण, जो भगवान के ज्ञान की स्वच्छ सौम्य अवस्था है और जो सामान्यतः वासुदेव या चेतना कहलाता है, महत तत्व में प्रकट होता है। महत तत्व के प्रकट होने के बाद ये वृत्तियां एक साथ प्रकट होती हैं।
जिस प्रकार जल पृथ्वी के संसर्ग में आने के पूर्व अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ, मीठा तथा शांत रहता है, उसी तरह विशुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण शांतत्व, स्वच्छत्व तथा अविकारित्व है। महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, जो भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। अहंकार में मुख्य रूप से तीन प्रकार की क्रिया शक्तियां होती हैं, सत्व, रज तथा तम। इन्हीं तीन प्रकार के अहंकार से मन, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया तथा स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। स्थूल तत्वों का स्रोत इंद्रिया तथा मन, ये ही तीन प्रकार के अहंकार उनसे अमिंत हैं, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। यह संकर्षण के नाम से जाना जाता है, जो कि 1000 शिरों वाले साक्षात भगवान अनंत हैं। यह अहंकार कर्ता, करण, साधन तथा कार्य, प्रभाव के लक्षणों वाला होता है। सतो, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित होता है, उसी के अनुसार यह शांत, क्रियावान या मंद लक्षण वाला माना जाता है। सत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है। इससे मन उत्पन्न होता है, जिसके संकल्पों तथा विकल्पों से इच्छा का उदय होता है। जीवात्मा का मन इंद्रियों के परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नीलश्याम शरीर शरतकालीन कमल के समान है। योगी जन उसे शनैश्ने प्राप्त करते हैं। हे सती, रजोगुणी अहंकार में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। संदेह, विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा, ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और ये ही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। रजोगुणी अहंकार से दो प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञानेन्द्रिया तथा कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रिया प्राण शक्ति पर और ज्ञानेन्द्रिया बुद्धि पर आश्रित होती हैं। जब तामसी अहंकार भगवान की वीर्य, काम, शक्ति से प्रेरित होता है, तो सूक्ष्म शब्द तत्व प्रकट होता है और शब्द से आकाश तथा और उससे श्रवणेन्द्रिय उत्पन्न होती है। जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं, वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, अर्थात वह जो किसी पदार्थ के विचार अर्थ को वहन करता है, ओट में खड़े वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है और आकाश का सूक्ष्म रूप होता है। समस्त जीवों को उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश स्थान प्रदान करना, जैसे कि प्राणवायु, इंद्रिय एवं मन का कार्य क्षेत्र, ये आकाश तत्व के कार्य तथा लक्षण हैं। ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है और इस तरह स्पर्श तन्मात्र प्रकट होता है। इससे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रिय उत्पन्न होती है। कोमलता तथा कठोरता एवं शीतलता तथा उष्णता, ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण हैं, जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया जाता है। गतियों, मिश्रण, शब्द को पदार्थों तथा अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान कराने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। वायु तथा स्पर्श तन्मात्राओं की अंतःक्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई और आंखें विविध रंगीन रूपों को देखती हैं। हे माता, रूप के लक्षण आकार प्रकार गुण तथा व्यष्टि से जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है। अग्नि अपने प्रकाश के कारण पकाने पचाने, शीत नष्ट करने, भाप बनाने की क्षमता के कारण एवं भूख प्यास, खाने तथा पीने की इच्छा उत्पन्न करने के कारण अनुभव की जाती है। अग्नि तथा दृष्टि की अंतःक्रिया से देवी व्यवस्था के अंतर्गत स्वाद तन्मात्र उत्पन्न होता है। इस स्वाद से जल उत्पन्न होता है और स्वाद ग्रहण करने वाली जीभ भी प्रकट होती है। यद्यपि मूल रूप से स्वाद एक ही है, किंतु अन्य पदार्थों के संसर्ग से यह कशैला मधुर, तीखा, कड़वा, खट्टा तथा नमकीन कई प्रकार का हो जाता है। जल की विशेषताएं उसके द्वारा अन्य पदार्थों को गीला करने, विभिन्न मिश्रणों के पिंड बनाने, तृप्ति लाने, जीवन पालन करने, वस्तुओं को मुलायम बनाने, गर्मी भगाने, जलागारों की निरंतर पूर्ति करते रहने तथा प्यास बुझाकर तरोताजा बनाने में है।
स्वाद अनुभूति और जल की अंतःक्रिया के फलस्वरूप दैवी विधान से गंध तन्मात्रा उत्पन्न होती है। उससे पृथ्वी तथा पग्राणेन्द्रिय उत्पन्न होते हैं, जिससे हम पृथ्वी की सुगंधि का बहुविध अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि गंध एक है, किंतु संबद्ध पदार्थों के अनुपातों के अनुसार अनेक प्रकार की हो जाती है, यथा मिश्रित, दुर्गंध, सुगंधित, मृदु, तीव्र, अम्लीय इत्यादि। पर ब्रह्म के स्वरूपों को आकार प्रदान करके, आवास स्थान बनाकर, जल रखने के पात्र बनाकर पृथ्वी के कार्यों के लक्षणों को देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है। वह इंद्रिय जिसका विषय शब्द है श्रवण इंद्रिय और जिसका विषय स्पर्श है वह त्वगिंद्रिय कहलाती है। वह इंद्रिय जिसका विषय अग्नि का विशेष गुण रूप है वह नेत्रेंद्रिय है। जिस इंद्रिय का विषय जल का विशेष स्वाद है वह रसनेन्द्रिय कहलाती है। जिस इंद्रिय का विषय पृथ्वी का विशिष्ट गुण गंध है वह पग्राणेन्द्रिय कही जाती है। चूंकि कारण अपने कार्य में भी विद्यमान रहता है, आता पहले के लक्षण गुण दूसरे में भी देखे जाते हैं। इसीलिए केवल पृथ्वी में ही सारे तत्वों की विशिष्टताएं पाई जाती हैं। जब ये सारे तत्व मिले नहीं थे तो सृष्टि के आदि कारण श्री भगवान ने काल कर्म तथा गुणों के सहित सात विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति महत तत्व के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किया। भगवान की उपस्थिति के कारण उत्प्रेरित होने तथा परस्पर मिलने से इन सात तत्वों से एक जड़ अंडा उत्पन्न हुआ, जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुआ। यह अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शक्ति का प्राकट्य कहलाता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार तथा महत्तत्व की इसकी परतें स्तर क्रमश मोटी होती जाती हैं। प्रत्येक परत अपने से पूर्व वाली से 10 गुनी मोटी होती है और अंतिम बाह्य परत प्रधान से घिरी हुई है। इस अंडे के भीतर भगवान हरि का विराट रूप रहता है, जिनके शरीर के अंग 14 लोक हैं। विराट पुरुष श्री भगवान उस सुनहले अंडे में स्थित हो गए जो जल में पड़ा हुआ था और उन्होंने उसे कई विभागों में बांट दिया। सर्वप्रथम उनके मुख प्रकट हुआ और फिर वागेंद्रिय और इसी के साथ अग्नि देव प्रकट हुए, जो इस इंद्रिय के अधिष्ठाता देव हैं। तब 2 नथुने प्रकट हुए और उनमें ग्राणेन्द्रिय तथा प्राण प्रकट हुए। ग्राणेन्द्रिय के बाद उसका अधिष्ठाता वायुदेव प्रकट हुआ। तत्पश्चात विराट रूप में 2 चक्षु और उनमें चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई। इसके अनंतर चक्षुओं का अधिष्ठाता सूर्यदेव प्रकट हुआ। फिर उनके 2 कान और उनमें कर्णेन्द्रिय तथा दिशाओं के अधिष्ठाता दिग्देवता प्रकट हुए। तब भगवान के विराट रूप विराट पुरुष ने अपनी त्वचा प्रकट की और उस पर बाल, रोम, मूंछ तथा दाढ़ी निकल आए। तत्पश्चात सारी जड़ी बूटियां प्रकट हुई और तब जननेन्द्रिया भी प्रकट हुई। तत्पश्चात वीर्य, प्रजनन क्षमता और जल का अधिष्ठाता देव प्रकट हुआ। फिर गुदा और उसकी इंद्रिय और उसके भी बाद मृत्यु का देवता प्रकट हुआ, जिससे सारा ब्रह्मांड भयभीत रहता है। तत्पश्चात भगवान के विराट रूप के 2 हाथ प्रकट हुए और उन्हीं के साथ वस्तुओं को पकड़ने तथा गिराने की शक्ति आई। फिर इंद्रदेव प्रकट हुए। तदंतर 2 पांव प्रकट हुए, उन्हीं के साथ चलने फिरने की क्रिया आई और इसके बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। विराट शरीर की नाड़ियां प्रकट हुईं और तब लाल रक्त कणिकाएं या रक्त प्रकट हुआ। इसके पीछे नदियां, नाड़ियों की अधिष्ठात्री और तब उस शरीर में पेट प्रकट हुआ। तत्पश्चात भूख तथा प्यास की अनुभूतियां उत्पन्न हुईं और इनके साथ ही समुद्र का प्राकट्य हुआ। फिर हृदय प्रकट हुआ और हृदय के साथ साथ मन प्रकट हुआ। मन के बाद चंद्रमा प्रकट हुआ। फिर बुद्धि और बुद्धि के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब अहंकार, फिर शिव जी और शिव जी के बाद चेतना तथा चेतना का अधिष्ठाता देव प्रकट हुए। इस तरह जब देवता तथा विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठाता देव प्रकट हो चुके तो उन सबों ने अपने अपने उत्पत्ति स्थान को जगाना चाहा, किंतु ऐसा न कर सकने के कारण वे विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य से उनके शरीर में एक एक करके पुनः प्रविष्ट हो गए। अग्निदेव ने वागेंद्रिय से उनके मुख में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष उठा नहीं। तब वायुदेव ने प्राणेन्द्रिय से होकर उनके नथुनों में प्रवेश किया,
तो भी विराट पुरुष नहीं जागा। तब सूर्य देव ने चक्षुरिंद्रिय से विराट पुरुष की आंखों में प्रवेश किया, तो भी वह उठा नहीं। इसी तरह दिशाओं के अधिष्ठाता देवों ने श्रवण इंद्रिय से होकर उनके कानों में प्रवेश किया, किंतु तो भी वह नहीं उठा। त्वचा तथा जड़ी बूटियों के अधिष्ठाता देवों ने शरीर के रोमों से त्वचा में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। तब जल के अधिष्ठाता देव ने वीर्य के माध्यम से जननांग में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष नहीं जागा। मृत्यु देव ने अपान इंद्रिय से उनकी गुदा में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष में कोई गति नहीं आई। तब इंद्रदेव ने हाथों में पकड़कर गिराने की शक्ति के हाथों में प्रवेश किया, किंतु इतने पर भी विराट पुरुष उठा नहीं। भगवान विष्णु ने गति की क्षमता के साथ उनके पावों में प्रवेश किया, किंतु तब भी विराट पुरुष ने खड़े होने से इनकार कर दिया। तब नदियों ने रक्त नाड़ियों तथा संचरण शक्ति के माध्यम से रक्त में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष हिला डुला नहीं। सागर ने भूख तथा प्यास के सहित उसके पेट में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष ने उठने से इनकार कर दिया। चंद्रदेव ने मन के साथ उसके हृदय में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष को जगाया न जा सका। ब्रह्मा भी बुद्धि के साथ उसके हृदय में प्रविष्ट हुए, किंतु तब भी विराट पुरुष उठने के लिए राजी न हुआ। रुद्र ने भी अहंकार समेत उसके हृदय में प्रवेश किया, किंतु तो भी वह टस से मस न हुआ। किंतु जब चेतना का अधिष्ठाता, अंतःकरण का नियामक तर्क के साथ हृदय में प्रविष्ट हुआ, तो उसी क्षण विराट पुरुष कारणार्णव से उठ खड़ा हुआ। जब मनुष्य सोता रहता है तो उसकी सारी भौतिक संपदा यथा प्राण शक्ति, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, मन तथा बुद्धियों से उत्प्रेरित नहीं कर सकती। वह तभी जागृत हो पाता है जब परमात्मा उसकी सहायता करता है। अतः मनुष्य को समर्पण, वैराग्य तथा एकाग्र भक्ति के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के द्वारा इसी शरीर में परमात्मा को विद्यमान समझकर उसका चिंतन करना चाहिए, यद्यपि वे इससे अलग रहते हैं।